हाँ लेफ्ट साइड में पहाड़ है, थोड़ा राइट पर रखना, ठीक है। तो आएगा तो ऐसे थोड़ा कट। भगवान बचाना यार। यहाँ पे द्रास पर पहुँच गए हैं, द्रास का मेन मार्केट है, और यहाँ पे कुछ खाने पीने की व्यवस्था देख रहे हैं, तो शायद वहाँ हमको जाना है। देखते हैं गाड़ियाँ लगा के आते हैं। तो द्रास को बोला जाता है कि ये सेकंड सबसे कोल्डेस्ट हैबिटेट। किधर लगाएं यार, पंचर वंचर ना हो जाए। अभी जिस होटल में यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं द्रास के अंदर, वहाँ पे देखो कितने सारे बाइकर्स ने अपने स्टिकर लगा रखे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स ग्रुप आते हैं। ओके, तो इस होटल में हमने यहाँ पे लंच किया था, बसरा होटल। और लंच करते समय यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो बता रहे थे कि भाई साहब जो जोजिला पास है वो इस समय अपने खतरनाक रूप में है, तो हो सकता है यहाँ से आगे कोई मिश्रिक का गांव है, तो वहाँ से अगर हमें जाने दिया तो इट मीन्स जोजिला ओपन है, और अगर हमें वहाँ पर रोक लिया मीन्स जोजिला क्लोज है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट आ जाएगा कि हम लोग जोजिला क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। ये जो होटल बसरा है ये नॉन वेजिटेरियन के लिए काफी बढ़िया है, मतलब जो हमने वेज चीजें भी मंगाई उनमें भी नॉन वेज का स्वाद आ रहा था। तो देखते हैं निकलते हैं जोजिला पे क्या हमें देखने को मिलता है। जो द्रास है ये सेकंड वर्ल्ड का जो हैबिटेट वाला ऐसा मतलब ऐसा रिहायशी इलाका है जिसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जाता है। बताते हैं कि यहाँ पे सर्दियों के अंदर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है, और ये पूरा एरिया बर्फ से लदा हुआ रहता है। तो कितना मुश्किल होता होगा यहाँ के लोगों के लिए रहना यहाँ पे। तो चलिए अब निकलते हैं, अब फेस करते हैं जोजिला को, कैसा क्या माहौल चल रहा है जोजिला। टाइम की बात करूं तो टाइम अभी 12:12 हो गए हैं, और हम लोग अभी भी द्रास में ही थे क्योंकि वो जय भाई का जो टायर इशू कर रहा है और कोई पंचर बनाने वाला नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो उसमें फिर से हवा भरा के फिर से काम चला रहे हैं। बाकी भाई साहब बारिश अब धीरे धीरे थोड़ी बढ़ रही है, और उसके साथ हमें लगता है कि जोजिला थोड़ा और टफ होने वाला है। इतना प्यारा व्यू लग रहा है उधर, तो देख रहे हो हम आगे कहाँ इन पहाड़ों बादलों में जा रहे हैं। तो जोजिला पास बता रहे हैं वहीं उसी किसी पहाड़ की चोटी पर है। इस ट्रिप का शायद आखिरी पास होगा जो डिफ़िकल्ट पास होने वाला है, और कंडीशन भी डिफ़िकल्ट है। जो कहते हैं ना गेम बढ़ता जाता है तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाते हैं, उस टाइप से अपना जो गेम राइड वाला जो गेम चल रहा है कंटिन्यूस, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा जोजिला पास पे। देखते हैं, आप सब लोगों की दुआएं साथ रहीं और भाइयों का साथ रहा तो पहाड़ों पर बादलों को चीरते हुए हम जोजिला क्रॉस कर लेंगे। तो हम जैसे जैसे यहाँ जोजिला की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ठंड भाई साहब यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रखी है। मैंने अभी अंदर विंटर लाइनें लगा रखी हैं, और ऊपर ये वाटरप्रूफ वाले ग्लव्स भी हैं, फिर भी अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और बाइक भी अभी टेम्परेचर 18-19 शो कर रही है। तो आज एक और गड़बड़ हो गई, हम लोगों ने लाइनें नहीं लगाए, ना ऊपर लगा रखा ना नीचे लगा रखा, तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। वो ऐसे बोला पत्थर आए तो ज़बरदस्ती निकालने कोशिश मत करना। अगर लेफ्ट साइड में पहाड़ है, हाँ लेफ्ट साइड में पहाड़ है, थोड़ा राइट पर रखना, ठीक है। पत्थर आएगा तो ऐसे थोड़ा कट कर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी एंट्री वगैरह कराई है इस चेक पोस्ट पे, और बता रहे हैं आगे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा है। हाँ तुम दोनों पीछे रहना। हे भगवान रक्षा करना, ये तो सबसे भयंकर चुनौती वाली घड़ी हो गई। बता रहे हैं कि ऊपर पत्थर वगैरह बहुत गिर रहे हैं, तो बस बोल रहे हैं बस आप लैंडस्लाइड का ध्यान रखना, और बाकी रास्ता तो ख़राब हो सकता है, बाकी देखते हैं अगर हमें आगे जाने दिया तो जाएंगे, आराम आराम से चलेंगे, सब ग्रुप बना के चलेंगे धीरे धीरे। बता रहे हैं 35 किलोमीटर का रास्ता है, और वो भी पूरा पहाड़, तो आसान नहीं होगा। बजरंग बली मदद करना। तो क्रॉस करने के लिए अभी एक टनल बन रही है, इन फ्यूचर तो ये टनल बन जाएगी। इस पास को फिर ऊपर से क्लियर करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टनल से लोग सीधा आ जा सकेंगे। बाकी देखते हैं
भगवान बचाना यार। ओके अभी यहाँ पे सारे ट्रैफिक को रोक दिया है, तो ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, अभी थोड़ी देर आधे घंटे के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। अभी यहाँ पे रुके हुए सारे। अब वैसे बैटरियाँ फूकने वाली है ठंड के अंदर। यहाँ पे टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, मतलब भाई साहब यहाँ हाथ बिल्कुल जाम हो रहे हैं, बिल्कुल भयंकर वाला। जिला पास क्रॉस करने के बाद देखो क्या हालत हो गई है बाइक की। ये था कुछ सोनमर्ग का व्यू, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। काफ़ी देर हो गई, 4 बज चुके हैं, और यहाँ से भी 70 किलोमीटर है, तो हमें 2-2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो हम लोग निकल रहे हैं। बड़े ही प्यारे सीन आए हैं यहाँ के, आपने इंजॉय किए कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कितना शानदार नज़ारा चल रहा है, बादल, पहाड़, पेड़ पौधे, हरियाली, सड़क, पुल, और साथ में पानी, नीचे नदी, बाइक, चांदनी, ओह माय गॉड। यहाँ से बिल्कुल कश्मीर की फीलिंग आने लग गई है, बड़ा ही मस्त मस्त व्यू आ रहे हैं।
बारिश के बाद जो होती है बेस्ट ब्यूटी। तो यहाँ हमारे लेफ्ट में आप जो है वो देख रहे हैं यहाँ डल लेक और बोट हाउस वगैरह देखते हैं कहाँ मिलते हैं।